नमस्कार। बाल धोना यूं तो आसान सी बात है, लेकिन देखा गया है कि कोई कोई लोग बाल धोते समय काफ़ी आम गलतियां करते रहते हैं, जिस वजह से उनके बालों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। गलतियों के कारण बाल डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से बालों का झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये गलतियाँ ना करें और अपने बालों की सेहत बनाए रखें। तो आज हम देखते हैं कि बाल धोते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको ऐसी टिप्स भी दूंगी जैसे कौन से हेयर प्रोडक्ट्स चुनें, तो बालों को धोने का तरीका, सामान्य क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो सब हम बात करते हैं। बाल धोते समय गर्म पानी का उपयोग मत करिए। गर्म पानी की वजह से आपके बालों का नेचुरल ऑयल ही निकल जाता है, जिस वजह से आपके बाल रूखे और कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही गर्म पानी के कारण आपके स्कैल्प में जलन हो सकती है और डैंड्रफ भी हो सकता है। तो बाल धोने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग करें, इससे आपके बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे और बालों के क्यूटिकल्स को खोलने में भी मदद मिलेगी, वो भी डैमेज किए बिना। दूसरा, केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स का उपयोग मत करिए। बहुत सारे केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन सल्फेट्स और पैराबेन्स। केमिकल्स के कारण आपके बालों में रूखापन और एलर्जी हो सकती है और नेचुरल ऑयल निकलने से हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स के बजाय आप नेचुरल ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, बालों को सुखाने के लिए टॉवल का उपयोग मत करिए। जब आप टॉवल से बालों को सुखा रहे हैं तो आपके बाल फ्रिक्शन की वजह से सूखते हैं, आपके बाल फ्रिक्शन की वजह से टूट सकते हैं, इससे आपके बालों के क्यूटिकल्स रफ हो जाते हैं और आपके बाल पतले होने लगते हैं और ज़्यादा घुंघराले हो जाते हैं। टॉवल ड्राई करने के बजाय आप हल्के हाथों से बालों को खोल सकते हैं और टॉवल में निचोड़ सकते हैं। आप अपने सिर को टॉवल से या सॉफ्ट कपड़े से बांध दें, जिससे वो कपड़े में ही बालों का पानी सूख जाएगा और फिर बालों को खुला छोड़ दें, थोड़ी देर में वो सूख जाएगा। या तो आप माइक्रोफाइबर टॉवल का उपयोग भी कर सकते हैं, इससे आपके बालों में फ्रिक्शन भी नहीं होंगी और बाल टूटेंगे भी नहीं। चौथा, अपने बालों को ओवर ब्रश ना करें। जब आपके बाल गीले हों तो अधिक ब्रश बिल्कुल ना करें, वरना बाल टूटेंगे ही। वाइट टूथ या डीटैंगलिंग ब्रश का उपयोग कर सकते हैं और ये बालों के लिए सही होगा। पांचवा, अपने बालों को टाइट कसकर मत बांधिए। अपने बालों को टाइट हैट या हेडबैंड से टाइट बांधकर ना रखें, इससे आपके बालों में ट्रैक्शन होगा। एलोपेशिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ हेयर फॉलिकल्स में तनाव और खिंचाव होता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए बालों को हल्के से बांध के रखिए या थोड़ा खुला रखिए, बाल नहीं गिरेंगे। छठा, अधिक हीट स्टाइलिंग ब्रशेस का उपयोग ना करें। हीट स्टाइलिंग टूल्स जैसे और कलरिंग आयरन टूल्स आपके बालों से नेचुरल मॉइस्चर को ही निकालते हैं और आपके हेयर फाइबर्स को कमज़ोर करके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो कभी कभार इन चीज़ों का उपयोग भले कर लें, लेकिन ध्यान दें कि साथ में हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे का उपयोग भी करें। इन सभी चीज़ों का पालन करके अपने बालों को नुकसान होते होते बचाएं। हर एक के बाल का अपना स्वभाव होता है, कोई बहुत ऑयली होते हैं, कोई ड्राई होते हैं। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा शैम्पू आपके लिए सूट करता है। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो क्लैरिफाइंग शैम्पू का उपयोग करें। अगर आपके बाल सूखे लूखे हैं तो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू का उपयोग करें, इससे बाल हमेशा हाइड्रेटेड रहेंगे। अगर आपके बाल कलर्ड हैं तो उस हिसाब से शैम्पू चुनें। आप ऑर्गेनिक और नेचुरल शैम्पू का उपयोग करें, जिसमें आंवला, अरीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस, भृंगराज शामिल हो। ये इंग्रेडिएंट्स बालों के टेक्सचर में सुधार लाते हैं और बालों की ग्रोथ में भी मदद मिलती है। एक चीज़ और याद रखें कि शैम्पू की सही मात्रा लें। शैम्पू की सही मात्रा लेना ज़रूरी है। एक्चुअली शैम्पू बहुत थोड़ा चाहिए, थोड़े से शैम्पू से ही बाल धोया जा सकता है। शैम्पू उतना ही वापरा जाए जिससे अच्छी तरह बालों में झाग आ जाए। एक्सेस शैम्पू
ना वापरे। अपने बालों के हिसाब से शैम्पू हो सकता है ना, कोई बाल बहुत थिक होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, वहाँ ज़्यादा शैम्पू लगेगा। तो करना ये है कि झाग आ जाने चाहिए पूरे बालों में, बस उतना शैम्पू हो और रब किया जाए बालों को अंदर से अच्छी तरह, स्कैल्प को रब कर दिया जाए जिससे बाल अच्छी तरह साफ धुल जाए। हर्बल हेयर रिंस भी होते हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर और नीम। शैम्पू करने के बाद में इनका उपयोग भी किया जा सकता है, ये आपके बालों के पीएच को बैलेंस करेंगे, डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली को कम करेंगे और बालों में शाइनिंग लाएंगे। बालों को कुछ ऑयल लगाना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि आमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। इन तेलों से बालों की सिर पर मालिश की जाए, इसकी वजह से एक तो बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बालों के रूट्स को पोषण मिलेगा और बालों को टूटने से हम बचा पाएंगे। थोड़ा सा बालों का ध्यान देने से, गलतियां ना करने से बाल स्वस्थ ही रहेंगे। सिर पर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए फिजिकली एक्टिव रहें, टेंशन ना लें, टेंशन से भी बाल झड़ते हैं। बालों को जब सूखे बाल हों तब पीछे से आगे की तरफ कंघी करने से भी रूट्स पे सर्कुलेशन बढ़ता है। उंगलियां अंदर डाल के थोड़ा सा बालों को खींचने से भी सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो कभी कभी ये सब चीज़ें भी करते रहें, लेकिन ये सारी चीज़ें सूखे बालों में करें, गीले बालों के साथ कभी भी कुछ ना करें। बस तो अपना ध्यान दें। शुभमस्तु, नमस्कार।